हेलो स्टूडेंट्स, आज कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 है, राइट फाइव डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन माइनस 2। आपको माइनस 2 से पांच बड़े परिमेय संख्याएं बतानी है कि जो माइनस 2 से क्या हो, बड़ी हो। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम राइट करेंगे क्या, सॉल्यूशन राइट करेंगे। सॉल्यूशन राइट करने के बाद माइनस 2, अब माइनस आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी ग्रेटर नंबर पूछेगा तो जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन के राइट साइड चलने पे आपको ग्रेटर मिलता है नंबर, और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड चलने पर आपको कैसा नंबर मिलता है, स्मॉल नंबर मिलता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो अब माइनस 2 यानी यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, ये 3, 4, ये सारे क्या है, माइनस 2 से अगर बड़े नंबर देखे जाए तो हमेशा किस साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे। अगर इससे छोटे नंबर देखे जाते तो किस साइड चलते हम लोग, लेफ्ट साइड चलते। तो क्या करना है हमें, माइनस 2 से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, माइनस 2 से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना, तो हम किस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड चलेंगे। याद रखिएगा, डिजिटल नंबर पूछ रहा है तो अपान 2 कर सकते हैं, अपान 2 कर सकते हैं, ठीक है, अपान 2 ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, निकालते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 1/2, 0, 1/2, फिर क्या हो जाएगा, 3/2, 1, 2, 3, 4। एक रेशनल नंबर और हमें निकालना है, 5/2, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी नंबर, जो नंबर माइनस 2 से छोटा हो वो हम नंबर ले सकते, सॉरी ग्रेटर हो वो हम नंबर ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, रेशनल नंबर हो गया। अब हम चलते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन आए या ना आए, हम सबसे पहले सॉल्यूशन राइट करेंगे। कह रहा है फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको 3/5 और 3/4 के बीच में पांच रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, सबसे पहले जिस भी नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, उस नंबर को राइट कर लीजिए। नंबर कौन सा है, 3/5, और सेकेंड नंबर कौन सा है, 3/4। ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि हमेशा देखेंगे जिसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या जो नीचे हर दिया है ये सेम है दोनों का। यहाँ हमको दिख रहा है 4 और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो सबसे पहले जो इसके नीचे होगा इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके नीचे होगा वो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें नीचे क्या है, 4 है। अब क्या करेंगे, इसमें जो है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें इसमें 4 से करेंगे, और इसमें किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4, तो इनटू क्या हो जाएगा, 4, और इनटू क्या हो जाएगा, 4। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, इनटू 5 हो जाएगा, और इसमें इनटू 5 हो जाएगा। 3 को जा 12 अपॉन 5 को जा 20, एंड 3 5 जा 15 अपॉन 4 5 जा 20। अभी अगर देखें 12 और 15 के बीच में क्या हमें पांच रेशनल नंबर फाइंड आउट होंगे, 12/20 और 15/20, देखिए 13, 14, केवल दो ही नंबर मिल रहे हैं ना। अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12/20 है, 12/20 लिख दीजिए, यहाँ पर इंटू क्या कर दीजिए, 4, इंटू 4 कर दीजिए। जिस नंबर से, देखिए 3 से भी किया जा सकता था, लेकिन 12/3 36 हो जाता, और 15/3 45। तो इसके बीच में 10 रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट हो रहे हैं तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं है कि 4 से ही लगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 से किया, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी 4 से करिए, आप 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट होना चाहिए, मिलना चाहिए, याद रखिएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एंड 15/4 अपॉन 20/4, 12 हो जा 48, और 20 हो जा 80, यहाँ फिर हो जाएगा एंड 15 फोर जा 60, 20 फोर जा 80। अब क्या राइट करेंगे, अब हम राइट करेंगे इसके बाद, चलते हैं इसके बाद हम राइट करेंगे क्या,
इसके बाद राइट करेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 48 अपॉन 80 एंड 60 अपॉन 80 इक्वल फोर। अब देखो जो भी नंबर जिस भी नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे उस नंबर को ड्रॉप करेंगे। 48 और 60 के बीच में निकालें, 48 छोड़ दीजिए। इसके बाद कौन सा नंबर आता है 48 के बाद? 49/60, 50/60, 51/60, 52/60, 53/60, 54/60, 55/60, 56/60। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 57/60, 58/60 ये आपका आंसर हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 रेशनल नंबर्स आपके फाइंड हो गए, ये आपका आंसर हो गया। आपकी एक्सरसाइज 1.2 हुई कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1.3 सॉरी चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग कल चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस।